होंडा एसपी के प्राइस में फिर से आपको उछाल देखते हुए मिल जाएगा। होंडा एसपी आपको अब और महंगी होते हुए दिख जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज मैं आप सभी के सामने एक नया वीडियो लेके आ चुका हूं। आप देख सकते हैं आज हमारे पास अवेलेबल है 2021 मॉडल होंडा एसपी BS6। आज हम आपको इस वीडियो में इस रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, क्या कुछ इसमें चेंजेस किए गए हैं और जो इसकी ऑल न्यू प्राइसिंग आ चुकी है। लगभग गाड़ी को इंक्रीज़ कर दिया गया, जिसकी ओल्ड प्राइसिंग थी उससे गाड़ी को महंगी कर दी गई है। एक बार ये प्राइसिंग जनवरी में इंक्रीज़ की गई थी, उसके बाद अभी आप अप्रैल में देख सकते हैं अप्रैल मंथ की स्टार्टिंग में इसकी फिर से प्राइसिंग इंक्रीज़ कर दी गई है। तो आज हमको इस वीडियो में इस रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, इस गाड़ी की कौन सी मॉडल की कितनी प्राइसिंग इंक्रीज़ हुई है और क्यों हुई है, क्या गाड़ी आज की डेट में वैल्यू फॉर मनी रहने वाली है। लगभग आपको अगर डिस वेरियंट की बात कर लें तो अप्रॉक्स 1 लाख के आसपास रुपीज़ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो क्या गाड़ी आपके लिए वैल्यू फॉर मनी है या नहीं, आज आपको इस वीडियो में इस रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन हम देने वाले हैं। उससे पहले चैनल पर जो लोग नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनसे कोई भी बाइक और स्कूटी अपडेट मिस ना हो जाए। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम ड्रम वेरिएंट के बारे में। 1556 रुपये गाड़ी महंगी हो चुकी है। आप इसके पहले अगर देखेंगे जनवरी में लगभग 1200 से 1500 रुपये तक का प्राइस इंक्रीजमेंट आ चुका था। जो इसकी ओल्ड एक्सोनो प्राइसिंग थी, अगर पहले की बात कर लें जो उस टाइम नई अपडेट हुई थी, वो थी 75,589 रुपीज़। और जो अब ड्रम वेरिएंट की न्यू प्राइसिंग आ गई है वो आ गई 77,145 रुपीज़। लगभग 15 से 18 रुपये आप इसमें और एड ऑन कर लीजिए, आपको ऑन रोड आते आते लगभग गाड़ी 91,000-92,000 के आसपास इन्हों मिल जाएगी। बाकी अपने नियर बाई शोरूम में बिल्कुल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको इसकी करेक्ट ऑन रोड प्राइसिंग पता चल जाएगी। उसके बाद अगर हम डिस वेरिएंट की बात कर लें, आपको इसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, एक डिस्क और ड्रम। डिस्क की अगर बात कर लें तो इसमें भी लगभग 1556 रुपये, ये भी आपकी महंगी हो चुकी है। जो होंडा एसपी की आपको डिस वेरिएंट देखने को मिलती थी, देख सकते हैं आप लोग, ये हमारे पास स्ट्राइकिंग ग्रीन कलर में डिस वेरिएंट इसके अवेलेबल है, ये भी लगभग 1556 रुपये महंगी हो चुकी है। इसके पहले इसका भी प्राइस जनवरी में बढ़ चुका था। इस गाड़ी का भी दो बार प्राइस बढ़ चुका है, एक बार जनवरी में बढ़ा था 2021 में, और अभी आप देख सकते हैं 2021 के अप्रैल मंथ में इसकी प्राइसिंग इंक्रीज़ कर दी गई है। बात करें अगर इसके ओल्ड प्राइसिंग के बारे में, क्या थे इसकी ओल्ड प्राइसिंग, तो वो थी 79,884 रुपीज़। और जिसकी ऑल न्यू प्राइसिंग आ गई है वो 80,000 रुपये एक्स शोरूम क्रॉस कर गई है, 81,441 रुपीज़। लगभग अब आपको हर जगह ये जो इसकी डिस वेरिएंट है 95-97 तक देखने को मिलेगी, बाकी कहीं कहीं 1 लाख भी अप्रॉक्स टच कर देगी गाड़ी। बाकी आप लोग अपने नियर बाई शोरूम में बिल्कुल कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, तो वहाँ पे आपको इसकी करेक्ट ऑन रोड प्राइसिंग पता चल जाएगी। बाकी मैंने आपको अप्रॉक्स बता दिया कितने में आपको देखने को मिल जाएगी। ये हमारे पास सारी मॉडल 2021 मॉडल अवेलेबल है, सारी हमारे पास 2021 की BS6 मॉडल अवेलेबल है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। उसे बात कर लें कंपनी ने क्या रीज़न बताया है, किसके कारण प्राइसिंग इंक्रीज़ की गई है। तो जो इनको रॉ मटेरियल देने को मिलता था, जो इनकी रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग थी उसकी इंक्रीज़ हो गई है, और जो इनका इनपुट कॉस्ट लगता था उस दोनों में इंक्रीजमेंट होने के कारण कंपनी ने अपनी जो गाड़ी की कॉस्टिंग जो है उसको इंक्रीज़ कर दी है, जो कि एक बड़ा मूव किया गया है कंपनी जब से। क्या होंडा एसपी 1 लाख रुपये लगाने के बाद भी वैल्यू फॉर मनी बाइक है या नहीं, एक बड़ा क्वेश्चन उठता है, क्या गाड़ी वैल्यू फॉर मनी रहने वाली है नहीं। तो बिल्कुल ये गाड़ी बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी रहने वाली है, क्योंकि जो आपको ये गाड़ी फीचर्स देती है, आपको ओवरऑल पूरी गाड़ी फीचर लोडेड देखने को मिलती है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। तो फीचर वाइज तो आपको कोई कमी महसूस नहीं होने वाली। अगर आप बात कर लें इसके मीटर कंसोल के बारे में, LED हेडलैम्प सेटअप की बात कर लें, या इसके आप और कोई फीचर्स की बात कर लें, फीचर वाइज आपको कहीं से भी कोई कमी महसूस नहीं होगी, जो कि एक बड़ा प्लस पॉइंट रहने वाला होंडा एसपी के बारे में। ये गाड़ी आपको फीचर लोडेड मिलने वाली है, कोई भी आपको कमी महसूस नहीं होगी, लुक वाइज भी अच्छी है, ब्रेकिंग वाइज भी अच्छी है। एक सबसे बड़ा पॉइंट इस गाड़ी का मुझे और पसंद है, गाड़ी की जो माइलेज निकाल के देती है, लगभग 60+ माइलेज निकाल के दे रही है, लेकिन कंपनी लगभग 1500 रुपये महंगे करके और इसको प्राइस हाई कर दिया है, आपको मैंने जैसे बता दिया। और आने वाले टाइम में हीरो ने भी प्राइसिंग अपनी इंक्रीज़ कर दी है, धीरे धीरे अपनी सारी कंपनियां प्राइस इंक्रीज़ करेंगी, क्योंकि सब में लोहे के पार्ट्स लगते हैं या जो भी आयरन फाइबर के पार्ट्स जो भी लगते हैं, सारी कंपनी के रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ेंगे और उनका जो इनपुट कॉस्ट है सारे का इंक्रीज़ करेगा। बाकी अभी तक बजाज TVS ने कोई भी प्राइस इंक्रीजमेंट का कोई भी अभी तक नहीं लाया है अपडेट। बाकी अगर जैसे ही बजाज या TVS में अपडेट आएगा, मैं आप सभी को सबसे पहले अपडेट कर दूंगा। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपसे वो वीडियो अपडेट मिस ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, यही था एक डिटेल वीडियो होंडा एसपी के बारे में। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर जाएं, ताकि आगे भी मैं आप सभी के लिए और भी ऐसी वीडियो लेके आता रहूं। अगर आप सभी को कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो होंडा एसपी के बारे में या किसी बाइक से रिलेटेड, तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन से ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आप सभी को बिल्कुल रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, और चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें।